और ये मैं स्टोनिया होम्स जो आपको बोल रहा था कि डेरा बस्सी में पड़ता है, वहाँ पर आ चुका हूँ। ये सैंपल फ्लैट है, ये ड्राइंग रूम है। तो इस साइड में जैसे ही मैं एंट्री करता हूँ, इस साइड में ये टीवी पैनल जो अवेलेबल है उसके लिए, और जैसे ही आप अंदर सामने चलते हैं तो ये आपका डाइनिंग एरिया है, और डाइनिंग एरिया के सामने ये आपका किचन है। सो तो इस साइड में ये किचन है। किचन का जो एरिया है एक्चुअली वो आपका 8 बाई 6.6 इंच, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ ये डाइनिंग जो आपका प्लेस है उसके रोहित, इसका लिविंग जो एरिया है कितना है यार? ये जो ड्राइंग रूम है 15 बाई 10.5, आप 15 बाई 10.5 का है, और इसमें ये सामने जो आप देख पा रहे हैं दो बेडरूम है, एक बेडरूम ये आपका लेफ्ट में और एक राइट में, और इनके साथ में जो है यहाँ जो पहला वाशरूम है ये इस तरीके से इस ड्राइंग रूम के साथ में एसोसिएट है। ये था तो आपको ये मैं दिखा दूँ कि ये सेरा के जो है सारी प्रोडक्ट इसमें है, और जो फिटिंग है आपके वो भी सेरा के हैं। तो ये हाई क्वालिटी यहाँ पर यूज किया हुआ है मटेरियल, फाउंटेन जो है वो आपके इस टाइप से। तो ये बाथरूम है, बाथरूम का डायमेंशन कितना? बाथरूम का जो 7 बाई 5 का, तो ये 7 बाई 5 का है और काफी स्पेसियस है। अगर अब मैं इसको थोड़ा इस हटके दिखाऊं नीचे से, तो आप यहाँ से इसको इस वे में देख सकते हैं कि 7 बाई 5 का ये स्पेसियस जो है अटैच बाथरूम है, और ये जो ये बेडरूम है इसके लिए भी यूज है होगा, और इधर जो मैं आपको दिखा रहा था ये ड्राइंग रूम इसके लिए भी। ये जो कर्टेन आप सामने देख रहे हैं तो ये फुल विंडो है इस दीवार पे, और इस साइड में जब आपको दिखाऊं यहाँ से तो जो व्यूज बनता है, जो लुक बनेगा वो किस वे में होगा, तो वो लुक इस तरीके से आप देख सकते हैं जो आपके 2 बेडरूम है। और टू अभी रूम के जो डायमेंशन है ये जो दोनों रूम के सेम है या अलग अलग डायमेंशन है? 12 फीट बाई 9 इंच इंटू 11, और दूसरे का है 12 12 9 इंटू 10.5। इस तरीके से ये रूम की डायमेंशन है। तो ये मास्टर बेडरूम है, और इस मास्टर बेडरूम के साथ में मैं इधर दिखाऊं तो ये आपका अलमीरा जो साथ में अटैच है, और ये मिरर, और इसकी जो थिकनेस है ये 19 mm के आसपास है। तो अंदर जो है काफ़ी स्पेसियस मुझको दिखाई पड़ रहा है, और कपबोर्ड में ये अलग अलग सेक्शन है। तो एक ये टॉप पे सेक्शन जो है ये पूरा का पूरा रखा होगा यहाँ पे, तो मेरा हाथ वहाँ तक नहीं जा पा रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा आप इस साइड में देख पा रहे हैं। दूसरा जो है कपबोर्ड इसी के साथ में, ये इस वे में, तो काफ़ी जो है स्पेसियस है। और तो ये सेगमेंट तो आपका इस साइड में पूरा अलमीरा और ये हुआ, तो काफी चीज जा। और यहाँ ये इसके रूम की जो है मास्टर बेडरूम की विंडो है, और इसके बाहर बैक साइड में जो है वो बालकनी है जो मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। और जो इसके साथ में अटैच बाथरूम है
इसका डायमेंशन कितना है? इसका 5x6.5। तो ये जो मास्टर बेडरूम के साथ में है ये 5x6.5 का है, और इसमें भी जो है आप देख पा रहे हैं ये हाई क्वालिटी स्टील, आप उसका रिफ्लेक्शन ही इसकी क्वालिटी को बोल रहे हैं। और ये जो है सेरा की क्वालिटी है, तो ऑब्वियस है कि उसका रिफ्लेक्शन अच्छा ही होगा। तो एक्चुअली इस्टोनिया होम्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये डिस्टेंस में पहले आपको बोल चुका था कि जो नेशनल हाईवे है चंडीगढ़ टू, जब ये न्यू दिल्ली जाते हैं तो ये उस हाईवे पर पड़ता है। और टाउन जो है ये डेरा बसी है, डेरा बसी जीरकपुर ये सब ऑन रोड आप मिलते हैं। तो ये बेडरूम के जो आपका बेड है, दूसरा जो कपबोर्ड है उसमें ये कपबोर्ड भी इसके साथ में दिया हुआ है, वो भी स्पेसियस है। और ये फिर उसी तरीके से टॉप तक गया हुआ है। तो दोनों बेडरूम के साथ में जो है एक कपबोर्ड है, और ये बाहर की तरफ ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक्चुअली बालकनी है बाहर की साइड में। तो उसको मैं अगर ओपन करूँ तो बाहर जो मुझको मिलता है इस तरीके से ये ओपन एयर मिलता है। और जो वेंटिलेशन की बात करते हैं तो इस डोर को ओपन करते ही जो है प्रॉपर इस साइड में ये ओपन एरिया है, तो अब यहाँ से काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है। यहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन मिल रहा है दोनों के लिए। और बाहर बिल्कुल सामने जो है ये जो मैं आपको बोल रहा था ड्राइंग रूम के साथ, ये ड्राइंग रूम है। तो ड्राइंग रूम में जो खिड़कियाँ हैं तो ये प्रॉपर वेंटिलेशन है। तो लाइट जो दोनों बेडरूम के अंदर है वो नेचुरल लाइट है, और जो ड्राइंग रूम है उसके अंदर भी नेचुरल लाइट है। नेचुरल लाइट के साथ साथ में वेंटिलेशन का प्रॉपर जो है वो ध्यान रखा हुआ है। तो इस वे में ये बिल्कुल फ्रंट में जब आप देख रहे हैं तो जैसे ही ये आप कर्टेन यहाँ से हटा देंगे तो आपकी बाहर का जो व्यू है वो आपको नज़र आएगा। और ये ओपन व्यू जो है एक नेचुरल टच आपको प्रोवाइड करता है, राइट। तो एक तो बेनिफिट ये डेरा बसी का है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। कनेक्टिविटी को अगर आप देखते हैं तो जैसा मैं पहले ही आपको बोल रहा था कि ये चंडीगढ़ और दिल्ली जो हाईवे है उस पर पड़ता है। एयरपोर्ट यहाँ से हार्डली जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है वो 15 मिनट का डिस्टेंस है, और अम्बाला यहाँ से 30 किलोमीटर पड़ता है, और चंडीगढ़ का जो रेलवे स्टेशन है वो 20 मिनट्स के आसपास है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और चितकारा यूनिवर्सिटी, ये आसपास के जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हैं, और आपका थापर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वो इस्टोनिया होम्स के नेक्स्ट जो रोड है उसके पास में पड़ता है। तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कनेक्टिविटी इस इन फ्लैट्स की जो है वो बहुत अच्छी है। तो एक्चुअल में जो आपका फ्लैट है, एक्चुअल जो फ्लैट है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये सैम्पल फ्लैट था तो इसमें आप काफ़ी कुछ और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। क्वालिटी वाइज, एनवायरनमेंट वाइज और आपका जो नेचुरल लाइट वाइज, ये जितने पॉइंट्स हैं इसको इनके पॉइंट पे मैं इसको आपको रिकमेंड करूँगा। जितना कॉन्टैक्ट है एस्टोनिया होम्स का वो डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूँगा आपको, और सारी फैसिलिटी आपको यहाँ अवेलेबल होगी जो मैं बोल रहा था पहले आपको। जिम की फैसिलिटी अवेलेबल है, स्विमिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, टेंपल यहाँ पर है, तो गुरुद्वारा इसके साथ में बैक साइड है, तो वो सारी फैसिलिटी एक अच्छी फैमिली के लिए इसको और जो बच्चों के लिए है वो यहाँ अवेलेबल है।